जो यहाँ 4300 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका सेवा नियमित किया जाए। अभी तक पैसा नहीं दिए हैं जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान है। ईपीएफ में जो गड़बड़ी है उसको सुधार करने की मांग है। बार बार जो है सो मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है। न्यायालय तो आदमी मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब न्यायालय का फैसला आता है। तो चुनाव के समय में हम हड़ताल करवा देंगे और पूरा सफाई व्यवस्था ठप करवा देंगे। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है, मैं हूं पंकज। लगातार आज जो है संविधान दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, पर यहाँ पे पटना नगर निगम के जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। पिछले बार भी कई बार हड़ताल पे गए, इनकी मांगे मानी गई, फिर भी कुछ कारणवश वापस ले ली गई हड़ताल, फिर से हड़ताल कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? नंद किशोर दास। अच्छा, पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, बिहार राज्य सफाई मजदूर के अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, पिछले कई बार से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैंने लंबा समय आंदोलन कवर किया है पिछले कई बार, सरकार से आपकी क्या बात होती है, और पहले आप ये बताइए कि आपकी मांगे क्या क्या हैं? देखिए, मेरा मांग जो है सो कोई नई मांग नहीं है। अच्छा। बराबर जो हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं वही मांग को लेकर के आज भी हम लोग यहाँ संविधान दिवस के अवसर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि जो यहाँ 4300 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका सेवा नियमित किया जाए। राज्य सरकार जो पद समाप्त कर दिया है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का, ग्रुप डी और ग्रुप सी का, तो ये मेरा मांग है कि वो पद को सरकार फिर पुनर्जीवित करे, सृजित करे और इन 4300 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का सेवा नियमित करे। दूसरे में है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका जो बकाया है वो नगर आयुक्त तो बोले थे कि एक महीना के अंदर हम 12 करोड़ रुपया दे देंगे सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए, तो इनका सारा पैसा भुगतान हो जाएगा। लेकिन आज 3-4 महीना हो गया, अभी तक पैसा नहीं दिए हैं जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी परेशान है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ बराबर भेदभाव किया जाता है और इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये दूसरा मांग है। तीसरा में है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का ईपीएफ का कटौती किया जा रहा है। इनका पैसा जो है सो समय पर ईपीएफ कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, और ईपीएफ में जो गड़बड़ी है उसको सुधार करने की मांग है। और पिछले बार जब इनकलाब जिंदाबाद, कई राउंड बातचीत हुई पिछले बार सरकार से, क्या क्या बातें हुई उसमें? मजदूर एकता जिंदाबाद। तो ये बार बार जो है सो मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है, और इसी के लेकर के आज भी जो है सो धरना पर बैठे हुए हैं। देना होगा, और इस बार अगर मांग पूरा नहीं हुआ तो हमने नोटिस दे दिया है, चेतावनी दे दिया है कि 20 जनवरी 2022 से पटना नगर निगम के कर्मचारी फिर हड़ताल पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और पूरा सफाई व्यवस्था फिर जो है सो ठप होगा। ये जो है सो हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर मांग पूरा नहीं हुआ, बार बार हम आग्रह करते हैं और बार बार कर्मचारियों के मान सम्मान, हक अधिकार को जो है सो खिलवाड़ किया जाता है। पिछले बार आप आंदोलन वापस लिए थे आप लोग, हाईकोर्ट का टिप्पणी आया था, क्या हाईकोर्ट द्वारा बोला गया था? देखिए, हाईकोर्ट जो है, जब कर्मचारी मजदूर जब आंदोलन करता है तो हाईकोर्ट का नींद जो है सो टूट जाता है, और जब कर्मचारी जब आंदोलन से वापस आ जाता है तो हाई कोर्ट भी चुप लगा देता है, और ये सरकार के इशारे पर जो न्यायालय जो ऐसो काम कर रहा है, पक्षपातपूर्ण काम कर रहा है न्यायालय, इसलिए न्यायालय से हमको भरोसा नहीं है कि 4300 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नौकरी परमानेंट होगा। ये हम मुख्यमंत्री जी से हम मांग करना चाहते हैं कि पद को पुनः सृजित करें। अच्छा। और इन लोग को परमानेंट करें। अच्छा। न्यायालय तो आदमी मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब न्यायालय का फैसला आता है।
तो इन लोग का चेहरा देख लीजिए, दो साल चार साल पाँच साल में जो है सो रिटायर हो जाएगा। यहाँ तो आदेश कर दिया है कि जिसका 60 साल हो गया उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये जो है सो न्यायालय किसके लिए फैसला देंगे? जब ये रिटायर हो जाएंगे तो न्यायालय किसके लिए फैसला देंगे? इसलिए मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी, आप जो है सो जो पद समाप्त किए हैं उसको पुनर्जीवित करके और इन लोग का सेवा नियमित किया जाए, परमानेंट किया जाए। कि आपका आज एक दिन का सांकेतिक धरना है? हाँ। और कब से आप फिर से आंदोलन पे आ रहे हैं, कितने तारीख से? देखिए, फिर हम दिसंबर में जो है सो सभी अंचल पर धरना प्रदर्शन देंगे। अच्छा। और 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले जाएंगे। 20 जनवरी? हाँ, इसका नोटिस हम दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी को भी, नगर आयुक्त, महापौर और शर्मायुक्त, तमाम जिला अधिकारी और सभी अंचल कार्यपालक पदाधिकारी को भी हम जो है सूचना दे दिए हैं लिखित रूप में। अब कर्मचारियों का मांग नहीं पूरा होगा तो लाचारी है, 20 जनवरी से हड़ताल में जाएंगे। और हम तो इस बार कह दिए हैं कि जो वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा फरवरी मार्च में, तो उस समय कर्मचारी हड़ताल करेंगे। अच्छा। उस समय भी हड़ताल करेंगे। जब इनका नौकरी अगर परमानेंट नहीं किया गया तो चुनाव के समय में हम हड़ताल करवा देंगे और पूरा सफाई व्यवस्था ठप करवा देंगे, ये जान लीजिए। तो ये थे नंद किशोर दास, जो महासचिव हैं पटना नगर निगम चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी टिप्पणी है कि आप सब हमेशा के लिए किसी सरकारी संस्थान में काम नहीं करवा सकते, उनको एक परमानेंट जो वेतन होता है वो भी देना होगा आपको, और उसको परमानेंट भी करना होगा, उसकी कुछ नियमे हैं। और लगातार आज संविधान दिवस है, पूरे देश में संविधान दिवस मना रहे हैं, पर चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जो हैं पटना नगर निगम के, वो आंदोलन पर हैं। अब देखना है कि सरकार मानती है या नहीं, क्योंकि पिछले कई राउंड से बातचीत होती है और बातचीत में यही सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगें मान ली गई है, आपको जल्द ही सभी मांगें दे दी जाएगी। आपको हमारा रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।